अब देखो हम टर्मिनेटिव फ्लावर जो होता है अंतस्थ कलिका पुष्प में परिवर्तन वाला देखते हैं। देखो ये एक पौधा है, एक ही है, और इसके पूरे एक एक्सिस पे सिर्फ एक ही फूल लगा हुआ है। ये अंतस्थ कलिका जो है वो किसमें बदल गई है? पुष्प में। अब ये वृद्धि नहीं करेगा, अब सिर्फ इसकी शाखाएं निकलेगी सिर्फ, तो इसको बोलते हैं अंतस्थ कलिका, यानी टर्मिनेटिव बर्ड का पुष्प कलिका में परिवर्तित हो जाना। यहाँ पे देखो ये सब ऐसे ही है, ये पूरी जो है वो एक फ्लावर में बदल गया है कोने पर जाकर। देखो अब आपको मैं लिनाक्स यानी कि डेलिकुसेंट टाइप के पेड़ दिखाती हूँ, जो जनरली आपने पीपल नीम के देखे हैं। देखो आप इसके नीचे जो है कुछ भी नहीं है, कोई ब्रांचेस नहीं है, और होती भी है तो देखो आपको दिख रही होगी एक ब्रांच, और जब हम इसको पूरा देखते हैं तो आपको गुंबद शेप का दिखाई देता है। ये दिख रहा है आपको गुंबद शेप का, ऐसा ही नीम का पीपल का पेड़ आपको दिखता है। तो ये लिनाक्स टाइप के यानी कि डेलिकुसेंट टाइप के जो है वो ट्री है। बांस आप सभी ने देखा है, ये बांस का जो है पेड़ है, आप देखो कितना लंबा जा रहा है, नीचे सिर्फ डंडिया डंडिया है इसके। जो हमने सबसे फर्स्ट वाला क्लम देखा है, हमने जो क्लम टाइप का जो है वो बांस उदाहरण है। देखते हैं इसके पास जाके, ये देखो अगर आप देखोगे तो इसमें आपको नोड्स और इंटर नोड्स अच्छे से दिख रही होगी। ये देखो ये जो होती है ये है इसकी नोड या पर्व संधि, और ये पूरा इसका नोड है, और फिर एक और पर्व संधि आ गई, और यहाँ से देखो ये शाखा निकली हुई है। ये देखो ये इसकी, ये वापस इसकी नोड, और यहाँ से देखो फिर शाखा निकली हुई है। ऐसे ही आपको इनकी नोड से शाखाएं निकली हुई दिखाई देगी। ये देखो यहाँ नोड से जो है कक्षस्थ कलिका बनती है, और कक्षस्थ कलिका से या तो फूल बनेगा या फिर क्या बनेगा, आपकी शाखा। तो ये देखो ये शाखा निकल रही है। ये देखो ये अशोका का पेड़ है, आपको दिख रहा है कोनिकल शेप, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर इतनी सारी पत्तियाँ हैं। ऐसा ही क्रिसमस ट्री भी होता है, ठीक है, इसको हम कौन सा वर्दी वेदी यानी एक्स करंट टाइप का जो कहते हैं। देखो ये रहा क्रिसमस ट्री, अगर आप ऊपर की जो शाखाएं देखेंगे तो वो छोटी है, नीचे वाली जो शाखाएं हैं वो बड़ी बड़ी है। ये भी वही आपका जो है वर्दी वेदी वाला है ना, जिसकी नीचे वाली शाखा है अग्रा भी सारी क्रम में लगी हुई है, ऊपर वाली नई है, नीचे वाली पुरानी है, इसलिए लंबी है। अगर आपको ये पेड़ दिख रहा हो तो देखो इसके जो नीचे का तना है ये सीधा, ये देखो ये, इस पर कोई शाखा नहीं है, जो भी शाखाएँ लगी है वो ऊपर टॉप पर लगी हुई है। जैसे कि मैंने आपको कहा था नारियल के पेड़ पर भी होती है ना वैसी, तो इसको बोलते हैं पुच्छी या कॉडेक्स टाइप का तना, जैसा कि आपको दिख रहा है। और भी है यहाँ पे, ये देखो ये पास वाला, ये भी वैसा ही है, नीचे देखो इसके कोई शाखा नहीं है, नीचे कोई शाखा नहीं है, सीधा टॉप पे है, ठीक है। तो ये होते हैं कॉडेक्स या पुच्छी टाइप के। ये देखो झाड़ी का उदाहरण, इसमें आप नीचे से देखो सारी शाखा नीचे से निकल रही है, इसमें आप देख कर बता नहीं सकते कि इसका मेन अक्ष कौन सा है। तो ये झाड़ी का उदाहरण है, वैसे ये कनेर का पौधा है, कनेर की झाड़ी है। ये देखो ये झाड़ी का सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल श्रब जिसे कहते हैं, जिसका मुख्य अक्ष पता नहीं चलता, सारी जमीन से निकली हुई है, सारी शाखाएं जमीन से निकली हुई है, मेन एक्सिस आपको मुख्य अक्ष दिखेगा ही नहीं।